12 मार्च 2023 ਨੂੰ ਪੀ ਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਸਕਸ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੋ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इनक्रीज इन हाइट एक ग्रोथ की डेफिनेशन है डिस्कस करने वाला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि डिवेलपमेंट विच क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव जो असी ग्रोथ डिवेलपमेंट की डिफरेंस करते हाँ तो क्वालिटेटिव तो क्वांटिटेटिव टिक लगते हाँ सो पहला आंसर ईजी है जिन्होंने भी थोड़ी बहुत तैयारी की होगी उन्होंने झोली में आंसर पै गया है दूसरा है एबिलिटी टू रीजन एंड लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप इज कॉल्ड एक गल नंबर एक ये क्यों औखा लगा इसते कोई प्याजे शब्द लिखा हुआ ही नहीं सी आदत पै गई सी पढ़ पढ़ के प्याजे साहब नूं हुण की सी स्ट्रैटेजी की अप्लाई करनी सी सॉल्व किस तरह करना सी एक्सप्लेनेशन भी देना है सॉल्व किस तरह करना सी एबिलिटी टू रीजन इट मीनस रीजनिंग ना संबंधित है लॉजिकली कंबाइन द रिलेशनशिप कंबाइन द रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट है साढ़े को ऑप्शन है मान लो मैनू कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता लेकिन मैं प्याजे बारे पढ़िया है तो मैं की करांगा इतने एलीमीनेशन मैथड अप्लाई करांगा सब तो पहला जी बिल्कुल ठीक रोंग लगती है मैं उसनू परे कर देंगा मैं पता है कि सीरिएशन जो है अबिलिटी टू अरेंज द मटीरियल इन ए ऑर्डर वो लेंथ भी हो सकती मैगनीट्यूड कोई क्वांटिटी हो सकती है बच्चे दिती गई फॉर एग्जाम्पल स्टिक्स दिखा तो बच्चे ने स्टिक्स नू अरेंज करना है फॉर एग्जाम्पल बच्ची ब्लॉक दिए गए तो इनक्रीजिंग ऑर्डर च लगा रही है जेकर बच्चा इनक्रीजिंग ऑर्डर च एग्जैक्ट लगा लेंदा है एक तो बाद दूजा वधदे लेंथ वाला है वधदी लेंथ वाला है तो इट मीनस बच्चे की सीरिएशन स्किल किसी भी चीज़ नू ऑर्डर विच लगाउण दी स्किल जिहड़ी है वह डिवेलप हो गई है इस बेस से कि सीरिएशन ना इसका कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा अजिहा कोई शब्द नहीं आया मैं इसनों सब तो पहला डिलीट कर देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जेड़ा है कंजर्वेशन देखो इतने संभाल है ट्रांसलेशन च गलती हो सकती है बेशक तुम जिन्ने मर्जी उलांभे दे जो पंजाबी वाले हो देखो अपना भला इस चाहे कोई भाषा चंगी या माड़ी नहीं होंगी जे अंग्रेजी के दो चार शब्द फंडामेंटल थ्यूरी दे लर्न कर लोगे तो फायदा तुहाड़ा ही है ये कही जाइए कि वो ठीक करन 100% गलतियां पेपर च नहीं ठीक होनिया सो स्ट्रैटेजी एक की है ट्रिक एक की है कि इंग्लिश के कुछ शब्द जरूर पढ़ लिख ले जान स्ट्रैटेजी की है जिहड़े प्योर पंजाबी वाले बच्चे भी हैं थ्यूरी वाले ज टैक्निकल टर्म्स ने उन्होंने इंग्लिश विच ही पढ़न ते जे ये दुविधा आए कि मैं इंग्लिश या पंजाबी चो केड़ा शब्द प्रेफर करना है तो इंग्लिश वाला प्रेफर करना है क्योंकि पेपर इंग्लिश च बनता है और बाद च ट्रांसलेशन हुंदा है तो इस तरह दियां गलतियां हुंदियां हन कंजर्वेशन विच असी ये मोस्ट पॉपुलर एक्सपैरिमेंट प्याजे द्वारा किया गया ये बार बार करते हाँ इहदे विच याद रखने का तुहानूं तरीका दसन लगा है कि कंजर्वेशन एक्सपैरिमेंट की ए सिचुएशन है जिहदे विच दो बीकर विच इक्वल पानी है दूसरे विच प्रोसैस है कि वह पानी एक लंबे बीकर विच जिसकी शेप एस एच ए पी ई मैं शेप नूं कित्थे लिख लगा कंजरवेशन चो एस कढ लिया इस नूं शेप लिख दिता दूसरा अंग्रेजी का शब्द अपीयरेंस लिख सकते हाँ पर याद रखने लिए कि कंजरवेशन का प्रिंसीपल की है कि शेप चेंज होने नाल शेप इत्थे चेंज हो गई इत्थे शेप चेंज हो गई उहदे चेंज होने नाल ये जिहड़ी पानी की मात्रा है इस नूं मात्रा नूं की कहना है ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਵੇਟ ਤੇ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਐਸ ਫੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏ ਫੋਰ ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ
चेंज नहीं आता, शेप चेंज होने नाल अमाउंट चेंज नहीं होंगी। इस चीज की समझ जिहड़ी है, अंडरस्टैंडिंग है, इसनों कंजरवेशन कहें हैं। ये रिवर्सेबिलिटी का प्रिंसीपल है, क्योंकि बच्चा सिचुएशन ए बी ते सी, सी दे विचो मेंटल माइंड दे विच जाके कि पहली सिचुएशन सोच लेंदा है, जे वह सोच लेंदा है तो रिवर्सेबिलिटी है, जे नहीं सोच पैंदा तो इररिवर्सेबिलिटी है। इररिवर्सेबिलिटी है तो वह ये नहीं समझ पाता कि शेप दे चेंज होने नाल अमाउंट चेंज नहीं होंगी। दूसरा ये प्रिंसीपल है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन की है? सेंट्रेशन इसनू मैं याद किदा कराना हुन्ना, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि अटेंड करना, पंजाबी विच ध्यान देना। इस कोई भी सिचुएशन है, यह सिचुएशन है, इसके किन्ने आस्पेक्ट आस्पेक्ट हैं, पक्ष हैं, ओके। पक्ष दे विच्चों कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई घट इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्ने पक्ष ने। सो बच्चा सिर्फ अटेंड कर रहा है एक आस्पेक्ट नू, बाकियां नू निगलैक्ट कर दिंदा है, इग्नोर कर दिंदा है, अवॉइड कर दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल इहदे विच उहने पिछली सिचुएशन नू याद नहीं रखिया, उसने सिर्फ साइज नू ही देखिया, उसने ये नहीं याद रखिया कि मैं खुद ही इस बीकर विच्चों इस बीकर चों इस बीकर विच पानी पाया है। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट नंबर वन टू दो दसिया मैं, ये दो आस्पेक्ट नू उसने निगलैक्ट कर दिता, और किस ते ध्यान दिता कि इहदे साइज ते ध्यान दे दिता। सो जे इदां हुंदी है कि कुछ एक आस्पेक्ट नू निगलैक्ट किया जाता है ते ए सेंट्रेशन है। इहदा मतलब ये होया कि सेंट्रेशन एक लॉजिकल एरर है, गलती है। गलती की नहीं होगी जो इस तो उल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीसेंट्रेशन। डीसेंट्रेशन मीन के बच्चे ने ए वाले पक्ष ए वाले पक्ष ते साइज शेप उसका चेंज होना सारा कुछ देख लिया है। सो इत्थे एरर नहीं हुंदी, ये डीसेंट्रेशन नैचुरली है, तीजी जिहड़ी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच अचीव हो जाती है। हुण देखदे हां कि की डिलीट किया जा सकता है। सीरिएशन असी डिलीट कर दिता है, कंजरवेशन शेप दे चेंज होण नाल अमाउंट, एज फॉर शेप चेंज होने नाल अमाउंट चेंज नहीं होंगी। इस तरह की कोई गल की गई? कोई गल नहीं की गई, दैट इज वाई इसनों कट दिता। कि अटेंड करन दी किसी आस्पेक्ट नू, अटेंड किसी आस्पेक्ट नू इग्नोर करन दी किते गल की गई? किते गल नहीं की गई। सो केंद्रीकरण भी उड़ गया। सो सवाल जवाब साढ़े सामने आ गया। हुण ट्रांजिटिविटी इहदा राइट आंसर है, हाँ उसनों भी समझ लेना चाहिए है। ट्रांजिटिविटी का मतलब की है कि बच्चे नू एक स्टेटमेंट दिती जांदी है, ए वड्डा है बी तो, ओके, बी वड्डा है सी तो, ते क्वेश्चन पूछा जांदा है कि बेटा ए ते सी विच की संबंध है, केड़ा इना चो वड्डा है, केड़ा इना चो छोटा है। हुण ए इनफॉर्मेशन दिती गई है, गिवन है, दिती गई है, ए भी गिवन है, लेकिन ए वाली इनफॉर्मेशन के एदा एदा रिलेशन की है, ए मिस है, नहीं दिती गई। सो बच्चा इना रिलेशन्स दे आधार ते, इना दे रिलेशन दे आधार ते, इना दे रिलेशन दे आधार ते मिसिंग जेड़ी इनफॉर्मेशन है उसनों फाइंड आउट कर लेंदा है। ये एक तरह की रीजनिंग है, लॉजिक है, रीजन है या लॉजिक। तो आओ देखते हाँ कि साडा आंसर ठीक है। अबिलिटी टू रीजन बिल्कुल ठीक है। रीजन का मतलब ये होंदा है कि जिहड़ी अवेलेबल जिन्नी इनफॉर्मेशन है, मान लो तुहाडे को पी एस टेट विच इन्नी इनफॉर्मेशन सी, लेकिन तुसी उहनां च आपसी रिलेशन करके क्वेश्चन ज्यादा सोल्व कर गए, इक मीन तुसी रैशनल लॉजिकल स्ट्रैटेजीज अप्लाई कीतियां है। अवेलेबल इनफॉर्मेशन दे आधार ते उन्हें रिलेशनशिप ए बी ते बी सी दे रिलेशनशिप नू कंबाइन करके ए ते सी दा, इन्हां नू कंबाइन करके ए ते सी दा रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, ये योग्यता डिवेलप हो जाती है। ट्रांजिटिव इनफ्रेंसिस प्याजे ने इसनों नाम दिता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर लिमिट। हैरान होवांगे थोड़ा, अपर लिमिट असी शायद ना पढ़ी होवे। अपर लिमिट ऑफ गास्तकीज कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो मेरे ख्याल ZPD बार बार पढ़ी है कि हेल्प जो इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਰੀਚਡ ਬਾਏ ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਵਿਦ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜੀਏਬਲ ਅਦਰ, ਤਿੰਨ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਔਰ MKO, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਅਗਸਤੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਰਕ ਪਰਫੋਰਮਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ZPD ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ZPD ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਈਵਨ ਇਫ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਏਜ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਦੀ MKO ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਇਹ ZPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ZPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਚਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ MKO ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ, ਸੋ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਓਕੇ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਸਪੈਕਟ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜੈਕਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਵਿਦ ਅਸਿਸਟੈਂਸ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਲਪ, ਸਪੋਰਟ, ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਰੀਚਡ ਔਨ ਦੀਜ ਟਾਸਕ ਬਾਏ ਚਾਈਲਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅਲੋਨ, ਸਿਰਫ ਅਲੋਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਨਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਓਮ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਓਮ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਓ, ਓਮ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ ਓਮ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਰੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਓਮ ਨੂੰ ਜੈ ਦਾ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਓਮ ਨੂੰ ਜੈ ਦਾ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ।
हाँ मैनू कन्फ्यूज कित्थे कीता गया कि बदला अंग्रेजी विच है रिटैलिएट। ये क्वेश्चन गलत कित्थे है, किसी ने शायद ये चैलेंज ना सोचा होवे, क्योंकि बदला जेड़ा है नेगेटिव टर्म है। कोलबर्ग दी थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट दी, नैतिक विकास दी है, वैसे नैतिक रीजनिंग तर्क दी है, विकास दी नहीं है, मॉरल दी। इममॉरल नहीं है, बदला लेना एक्ट इममॉरल है। इसलिए इत्थे क्वेश्चन बनाने वाले ने बदला लिख के इस क्वेश्चन नू असल विच गलत कर दिता है। पर असी ये बहस विच इत्थे पैना नहीं है, असी उस सिचुएशन चाह असी हर हालत विच उस चारा चो एक ऑप्शन लभण की कोशिश करनी है। हुण तक ये म्यूचुअल जेड़ा है ये मैनू सैकेंड स्टेज वल सीधा गाइड कर रहा है। हाँ मैं अगला होर जेड़ा शब्द दिता गया है सेंटेंस उसनू पढ़ लवा। मनन इन्हां घटनावां की सूचना अध्यापक नू नहीं दिंदा, यह मनन देखिया है। तो ये अध्यापक ने ये अध्यापक को शिकायत लगा नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उन्हां विच बराबर का आदान प्रदान, बराबर का आदान प्रदान, एनी टर्म याद रखन सामने आने नाल मैनू सामने आ गया कि सैकेंड स्टेज है। जेकर थ्यूरी तुसी उस तरह याद की, हाँ मैं इस थ्यूरी ते वीडियो पाई है, तुसी देख सकते हो, लेकिन कल्ली थ्यूरी ते किस तरह इनू याद करना है नाल एक होर वीडियो आ जाएगी, देख सकते हो। सो सेंट्रल फ्रेज मैं इसनू अंडरलाइन ज सर्कल किया, इस दे आधार ते मैं इसनू चुन रहा हाँ। मैं वेरीफाई करना हाँ तां कर सकता हाँ कि है कि स्टेज फोर ते स्टेज थर्ड सोशल रूल कन्वेंशनल है ना, क्राइटेरिया थ्योरी नू याद करन दा यही है, सोशल रूल उसनू कन्फर्म करना, पालना करनी। इत्थे सोशल रूल सोसाइटी दे किसे रूल दी गल किते भी कीती नहीं गई, इत्थे सिर्फ दो जण्यां दे आपसी इंटरैक्शन दी गल कीती है, जिन्हां विच उसने जिहड़ा बेनीफिट उहनू जां जिहड़ी चीज़ उहनू दित्ती उसदे इक्वली वापस लैणी है, इत्थे तक दी सोच रखी है। और डर तो बाद, इत्थे डर नाल बच्चा सोच रहा है कि डर करके जितों डर लगता है, जिहड़ी चीज़ अथॉरिटी कहिंदी है कि ये सही है वह तो डरते हुए उसनू चंगा कहिंदा है, डर दे मारे ही उसनू बुरा जां चंगा कहिंदा है, मोरैलिटी इहदे विचकार हुंदी है। सो इहदे इत्थे सोशल रूल नहीं है, सोशल रूल नहीं है, डर वाली कोई गल नहीं है, तो म्यूचुअल बेनीफिट जिहड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बदला शब्द रोंग वरत्या गया है, इसनू रीकंसिडर कर लेना चाहिए है। जो इन स्टेजेस नू तुसी डायग्राम च देखोगे, सेकेंड स्टेज विच है फेवर रिटर्न्स, इस तो भी क्लीयर हो जाता है, और गेट रिवार्ड्स, बदला लेने वाली कोई गल इस विच दिखाई नहीं देती। फॉलोविंग रिप्रेजेंट्स थ्री क्राइटीरिया द करैक्टराइज द चिल्ड्रन हु आर गिफ्टड एज डिस्क्राइब्ड बाय एलन विनर एक्सेप्ट। ये नुक्ता दस्या सी एक्सेप्ट नू जरूर करना है अंडरलाइन। हुण मान लो मैं एलन विनर दी थ्योरी नहीं पढ़ी, उसने क्या है कि निम्नलिखित विच कहे मापदंड कुदरती दात दे तौर ते बच्चों नू विशेष वजो नहीं दर्शाते। हुण मैं नहीं पढ़िया, जे मैं अंदाजा लगाना है, गैस वर्क लगाना है, तुक्का किहड़ा लगावां? प्रोसेसिटी दा मतलब बाय चांस जे मैनू पता है, प्रोसेसिटी दा मतलब है कि एक एज है बच्चे दी, उस एज तो फॉर एग्जाम्पल बच्चा 10 साल का है और वो बच्चा 10 साल के डेवलपमेंटल टास्क या जो कम कर सकता है, वो दूसरा बच्चा 12 साल का जो कम कर सकता है, 10 साल वाला बच्चा जे 12 साल 2 साल तो 3 साल बाद जो कम सीखने से वो पहला ही सीख रहा है, वो स्किल्स सीख रहा है, वो ट्रेड्स उस पहला ही आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बैठना 4 महीने तो 7 महीने के विच शुरू कर देता है, तो लेकिन जे कोई बच्चा 4 तो पहला या 4 के करीब ही बैठता है, नैचुरली है कि वो पोटेंशियल ज़्यादा है। इस तरह की अवस्था में प्रीसोसिटी किया जाता है। जे इसका मीनिंग पता है कि बच्चे विच ओ एबिलिटी उस दे अगले बच्चों तो पहला आ रही है, तो मैनू साफ दिखाई दे रहा है कि एक गिफ्टेड वल लैके जा रही है। मार्चिंग देयर ओन ड्रमर दे बारे मैनू कोई नॉलेज नहीं है, इसते मैं क्वेश्चन मार्क ला के छड़दा हाँ। हाई इमोशनल स्टेबिलिटी, इतने मैनू एक शक हो रहा है इमोशनल शब्द से, स्टेबिलिटी पॉजिटिव चीज़ है लेकिन इमोशनल गल की गई है। सिर्फ 3 क्राइटीरिए है कि जिहड़े गिफ्टड ने अज तक हमेशा आई क्यू दे बेस ते, सब तो पहला हमेशा नहीं, सब तो पहला आई क्यू दे बेस ते,
टर्मन ने 140 तो वध आईक्यू वाले बच्चों सिलेक्ट करके सब तो लंबी अज तक की लोंगीट्यूडनल रिसर्च जी की है। उस तो बाद क्रिएटिविटी नू विच पाया जान लगा, क्रिएटिव चिल्ड्रन ने एक्सैप्शनली टेलेंट जिहड़े बच्चों च हुंदा है, जे ये सारिया चीज़ां नू तुसी शामिल कर लो तो एक कोगनेटिव डोमेन बनती है। कोगनेटिव मैं किदा सोचा, ज्ञानात्मक आस्पेक्ट जड़े है, बच्चे दी रीजनिंग है, मेमोरी शार्प है, आईक्यू है, क्रिएटिविटी है, सारे कोगनेटिव नाल है, अफेक्टिव नाल नहीं हन। इमोशन शब्द इफेक्टिव नाल आ रहा है, इसलिए मैं ते सब तो वड्डा शक करके क्वेश्चन मार्क लाया कि ए नॉट एक्सेप्ट, ए ते सब तो वड्डा शक किया जा सकता है। अच्छा मैं अगे पढ़ लवा, द पैशन टू मास्टर, मास्टर शब्द का मतलब है कि किसी चीज़ विच स्किल्ड हो जाना, माहरता हासिल कर लैनी। सो ये दो जिहड़े शब्द ने जां फ्रेज ऑप्शन ने ये मैनूं बिल्कुल ठीक लगते हैं। मैं इन्हां दोनों चों शक करनी है, इन्हां दोनों चों शक करन तो बाद मैं इमोशनल दे बेस ते इस ऑप्शन नूं टिक कर रहा। जे तीन क्राइटीरिया बनाए होणगे ओह कोगनेटिव होणगे ना कि इमोशनल। नैक्सट क्वेश्चन है डैश आर, अच्छा जी औरतों ते मर्दां लई उचित व्यवहार बारे प्रभाव ते विश्वास नूं दर्शाउंदियां हन। अंग्रेजी पढ़ लीए, डैश आर ब्रॉड कैटागरीज दैट रिफ्लैक्ट द इंप्रैशन एंड बिलीफ्स। इंप्रैशन नू कर रहा हाँ, बिलीफ नू कर रहा, अबाउट द एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर फीमेल एंड मेल्स, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रोल, जेंडर व्यूज एंड जेंडर बायस। इस क्वेश्चन ने सौखा किस तरह हो गया कि असी एलीमीनेट कर रहे हैं जिहड़ी बिल्कुल इस नाल ताल्लुकात नहीं रखती। जेंडर व्यू शब्द नहीं सुनिया गया, इसनों मैं सीधा देख के ही डिलीट कर रहा हाँ, टर्म्स नहीं सुनी। जेंडर बायस की गल, बायसनैस, इस जिहड़ी स्टेटमेंट है इहदे विच इदां दा कुछ नहीं कहा कि अजिहे विश्वास जिच मर्दां नू उपर जां औरतां नू नीवां जां औरतां नू नीवां जां मर्दां नू उच्चा जां चंगे कौन हुंदे माड़े, इदां दी कोई गल नहीं कीती। सो जेंडर बायस बिल्कुल नहीं है। मेरी सूई फस रही है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ते जां जेंडर रोल ते। हुण जदों मैं डेफिनेशन ए पढ़ी जां अपनी बुक दे विच वी जिहड़ी डेफिनेशन लिखी है उहदे च ब्रीफ लिखिया है कि स्टीरियोटाइपिंग जिहड़े ने बिलीफ ने, विश्वास ने, विश्वास ए विश्वास अनजस्ट ने, अनजस्ट मीन अन्यापूर्ण, अनफेयर ने, ये जनरलाइज्ड ने, जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड मीन कि जदों असी कह दिंदे हाँ कि सारे उस ग्रुप ते लागू हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप औरतों का ग्रुप है कि सारिया औरतां किचन का काम ही करन लई बनिया हन जां उहनां नूं करना चाहीदा है, ये विश्वास है। सारे मर्दां नूं बाहर का काम जां कमाई करनी चाहीदी है। हुण सारे मर्दां ते जिहड़ा अप्लाई हो रहा है इसनूं जनरलाइज्ड कहिंदे ने। परिभाषा करन लई तीन चार शब्द जिहड़े मैं चुने सी, विश्वास, अनजस्ट, जनरलाइज्ड। इत्थे जनरलाइज्ड शब्द नहीं आया, अनजस्ट नहीं आया, विश्वास आ गया। विश्वास शब्द ने फसा लिया कि यह स्टीरियोटाइपिंग है। जे स्टीरियोटाइपिंग की डेफिनेशन भी कितने पढ़ी हो तो वह अजिहे विश्वास है सोसाइटी के जिहड़े के वितकरा करते हैं। सो रोल जिहड़े है वह एक्सपैक्टेशनस होंदियां जिहड़ी, सो ये विश्वास के आधार पर मैं जेंडर स्टीरियोटाइप नूं टिक करदा हाँ राइट आंसर के तौर पर। नैक्सट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच फॉर्म ऑफ लर्निंग द कॉन्सीक्वेंसिज। सच गल दसा कि जिस तरह मैं, क्योंकि नालायक बंदा बहुत रहा हाँ मैं, मैंने बार बार पढ़ना पिया है ईवन टीचर बनने लई, UGC नैट क्लीयर करने लई, ये जो कॉन्सीक्वेंसिस शब्द है मैं फिर अच्छे शब्द लभ लैंदा हुंदा। इस ताईं मैं वीडियो कढ़िया ने, वीडियो बेशक लंबिया ने, 6-7 वीडियो ने कि जिहड़े एक शब्द तो ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये ऑप्शन रोंग ही हो सकती है, ये राइट ही हो सकती है। इस जिहड़ी सीरीज़ हुण चला रहा हाँ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की, ये भी मैं वर्ड आइडेंटिफाई करके घट्टो घट 20% क्वेश्चन इदा ही सॉल्व किए हैं। तो वो तुहानू वो तकनीक सिखाना चाहना हाँ कि इस तरह सीख लो, क्योंकि नॉलेज कोई भी आवे तकनीक है तो सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सीक्वेंसिज भी जदों ही मैनू याद आते हैं, कॉन्सीक्वेंसिज का दो थ्योरीज ना संबंध से, एक थॉर्नडाइक ना और दूसरा स्किनर ना, स्किनर ओके। थॉर्नडाइक का प्रिंसीपल ऑफ इफेक्ट से, इफेक्ट प्लेयर एंड पेन दो कॉन्सीक्वेंसिज से, उससे नू चक के स्किनर ने एक्सपैरीमेंट किया जिन्हां दी थ्यूरी RS थ्यूरी बन गई। जिहड़ी पावलो की थ्यूरी है वह स्टिमुलस ते रिस्पोंस है, जिहड़ी
स्किनर की थ्योरी है रिस्पोंस से स्टिमुलस है, रिस्पोंस पहला है स्टिमुलस बाद विच है। मैं पढ़ लवा की है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल अकर, व्यवहार के नतीजे सीखने लिए केड़ा रूप अनुसार व्यवहार के वापरन की संभावना तब्दीलियां पैदा करते हैं। जे औखा लगता है मैं कॉन्सीक्वेंसिज नोट कर लिया है, फिर मैं ऑप्शन हूँ देख लगा हाँ, क्योंकि जदों कॉन्सीक्वेंसिज देखिया मेरे सामने मेरे मन में ये दो थ्योरीज आ गई सी। मैं एक नुकता दिता सी कि जो तुम स्टैम पढ़ते हो, स्टैम पढ़ते हुए जो मेन फ्रेज या वर्ड आता है वो इनफॉर्मेशन एकदम अगे ले आओ। कई बार अजिहा होंदा है कि ऑप्शन पढ़न तो पहला तुहानूं सामने उत्तर आ जाता है, फिर भी ऑप्शन पढ़निया हैं। हुण क्यों दूसरा शब्द इतने विवाह बिहेवियर आया है, वो शब्द मैं इसनों जस्टिफाई कर रहा है कि बिहेवियरिज्म दी, बिहेवियरिज्म दी गल कर रहा है जिसने आर एस थ्यूरी या एस आर थ्यूरीज ने। हुण इहदे विच ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग एस आर थ्यूरी है, ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर आर एस थ्यूरी है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग इतने मैनू राइट आंसर मैनू मिल गया है, पर मान लो मैनू ये नॉलेज नहीं है अगे होर स्ट्रैटेजी की ये लभन लई अपना सकते सी। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग सच दसा मैनू पता सी कि ब्रूनर दी है, कई वीडियो विच मैं बार बार दसिया है डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर दा कंसैप्ट है, और ब्रूनर कोगनेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट सी, कोगनेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, और कंस्ट्रक्टिविस्ट बिहेवियरिज्म दे विरोध विच है, विरोध विच है, ठीक है। ये थिंकिंग ते जोर नहीं दिंदे, ये थिंकिंग ते जोर दिंदे ने, रिफ्लैक्शन ते मैटाकोगनीशन ते जोर दिंदे ने। सो इहदे आधार ते डायरैक्टली जे मैनूं आए पता नहीं हन ते ये रिजैक्ट हो गया। मोटिवेशनल लर्निंग कोई अजिही थ्यूरी नहीं पढ़ी, सो इस नूं भी रिजैक्ट कर रहा हाँ। हुण मेरे कोल क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग बचे ने। स्टेटमेंट नहीं समझ आई उसनों भी समझ सकते हाँ कि जदों कोई बिहेवियर दोबारा अक्कर होएगा कि नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने अज होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, एक मैथ का सम सॉल्व कर लिया, केंद्र कल वो करेगा कि नहीं करेगा, बिहेवियर अक्कर होएगा कि नहीं होएगा, हाँ तो वो डिपेंड की करता कॉन्सीक्वेंसिस की है। फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड पर चलते हाँ, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर की है, बिहेवियर या व्यवहार है ना, चलो पंजाबी भी लिख लेने, व्यवहार की है कि होमवर्क बच्चे ने कर लिया है ना, मम्मी पापा या टीचर ने जो दिता सी वो कर लिया है अज। कॉन्सीक्वेंसिज एक ए रिस्पोंस है, उसका रिस्पोंस है ना, ये बिहेवियर है, बिहेवियर नू ही रिस्पोंस कहिंदे आ, यह भी याद रखना है, बिहेवियर नू ही रिस्पोंस कहिंदे आ। जो बिहेवियर बिहेवियरिज्म आ जाता है रिस्पोंस शब्द आना चाहिए है ना, ही तुम स्टिमुलस ज़्यादा आना चाहिए है। होमवर्क करता है ये केंद्र ये कॉन्सीक्वेंसिज दसनगे कि होमवर्क के कॉन्सीक्वेंसिज दो तरह के हो सकते हैं, एक पेनफुल हो सकते हैं, एक प्लेजेंट हो सकते हैं, सुख वाले दुख वाले। जे तो वह एक्टिविटी रिस्पोंस बिहेवियर करन तो बाद सुख दिता जाता है, सुख वाला स्टिमुलस देना होंदा है रीइनफोर्स, वो बिहेवियर होमवर्क दोबारा होएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने होमवर्क किया तो उसनू शाबाश दिती गई, चॉकलेट दिती गई, उसनू मोबाइल 10 मिनट वाधू यूज करने लिए दे दिता गया है ना, तो कॉन्सीक्वेंसिज की रहा सुख, नतीजा की रहा सुख, ये सुख ने फिर रिस्पोंस नू रीअकरेंस कि कल वो होमवर्क करेगा। दूसरी तरफ है होमवर्क है, होमवर्क तो वैसे अपने आप ही पेन है, होमवर्क है, होमवर्क तो बाद बच्चे नू डांट पई है जां एक टीचर ने थप्पड़ लगाया है, स्टिमुलस बैड स्टिमुलस दे दिता, ये कॉन्सीक्वेंसिज नैगेटिव है, इसलिए होमवर्क नहीं करेगा। सो ये पनिशमेंट की एग्जाम्पल हो गई, ये रीइनफोर्समेंट की एग्जाम्पल हो गई। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज राइट आंसर, क्योंकि ऑपरेंट का मतलब है रिस्पोंस, और उस तो बाद स्टिमुलस देना, स्टिमुलस केड़ा देना, प्लेजेंट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पोंस इनक्रीज बिकॉज इट इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस, जी गल कर रहे हैं उससे ही अगे बताना पाएगा। मैं एक अंडरलाइन किया कि रिमूवल, क्योंकि जिदा मैं थ्योरी याद की हुई है मैनू ये पता है कि जदों असी रिमूव कोई करते हाँ चीज़ वो नैगेटिव, उसनू स्किनर ने कहा है वो चीज़ जे दुख वाली है, अवर्सिव दुख वाली चीज़ है, जदों दुख वाली चीज़ नू हटाया जाता है
उसनू नैगेटिव रीइनफोर्समेंट कहिंदे हन। सिंपल गल, दुख हटाना, ठीक है, नैगेटिव रीइनफोर्समेंट। ये रीइनफोर्समेंट है। तीजा आस्पैक्ट उहदा की है कि रिस्पोंस इनक्रीज हो रहा है, जिदा पिछे कहा से रीअकर हो रहा है, इतने इनक्रीज हो रहा है, इतने मॉडिफिकेशन बिहेवियर मॉडिफाई हो रहा है, लर्निंग हो रही है, कई शब्द अजिहे हो सकते हैं। सो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के अनुसार प्रक्रिया के बारंबारता बार बार होना, होमवर्क बार बार दी वधदी बार बार करता है, क्योंकि इस दे बाद एक घिणाउणी उत्तेजक नूं हटाउण दा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि तीन आस्पैक्ट हैं कि कोई चीज़ हटाई गई इसलिए वो नैगेटिव है, वो चीज़ चंगी सी या माड़ी सी, नहीं दुख वाली सी, उसका रिजल्ट की होया कि रिस्पोंस इनक्रीज होया, क्योंकि रिस्पोंस इनक्रीज होया इसलिए वो पक्की गल है कि रीइनफोर्समेंट है, क्योंकि ये हटाया गया है स्टिमुलस इसलिए वो नैगेटिव रीइनफोर्समेंट है। सो पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट, नैगेटिव रीइनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नैगेटिव पनिशमेंट, नैगेटिव रीइनफोर्समेंट, इसको थोड़ा जहा समझ लेना चाहिए है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग उस इतने लिखा है ना, जो ये कंडीशनिंग शब्द आता है असी याद किनू करना है, रिस्पोंस ते स्टिमुलस। हुण स्टिमुलस दो तरह का हो सकता है। रिस्पोंस का मतलब बिहेवियर पहला असी समझ लिया है, बिहेवियर, अच्छा पंजाबी व्यवहार। स्टिमुलस दो तरह का हो सकता है, पेन वाला उत्ते गल कर रहे हाँ, प्लेजेंट वाला, अच्छा सुख वाला, फिर भुल गया दुख वाला, ओके दुख वाला। सिंपल गल है कि जदों सुख वाला स्टिमुलस दो तरह हो सकता है, एक दिता जा सकता है मतलब जमा किया, एक रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, हटाया ये नैगेटिव हो गया। इस तरह पेन दिती जा सकती है, जमा हो गया, और हटाई जा सकती है, नैगेटिव हो गया। एनी गल है, हुण ये देखो कि किसी नूं दुख दिता जावे, सॉरी सुख, सुख पॉजिटिव है, सुख दिता जावे, सुख हुण पॉजिटिव है, सॉरी दिता जावे, तां जिहनूं सुख दोगे कि वह जे किसी नूं टॉफी दोगे तो कल फिर आएगा ना, सो सुख दिता गया, इसलिए ये हो गई पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट। रीइनफोर्समेंट इसलिए कि रिपीट होया बिहेवियर। जे सुख नूं हटाया जाएगा, टॉफी खोली जाएगी, चॉकलेट ले ली जाएगी, मोबाइल फोन खोलिया जाएगा, फिर की हो गया नैगेटिव। पर बच्चा ये वो कम इदा करन नाल, टॉफी खोन दे नाल जिहड़ा कम कराना चाहते हो करेगा, नहीं करेगा, इरीटेट होएगा, दुखी होएगा, उल्टा गाला कड़ेगा, इसलिए ये रीइनफोर्समेंट नहीं हुई, ये पनिशमेंट हो गई, पनिशमेंट। दूसरी तरफ दुख नूं दिता गया, दुख नूं कटाया गया। जे किसी के दुख नूं कटाउंदे हो, वो तुसी कहानी सुनी है कि चूहे ने जंगल विच शेर दे पिंजरे विचों कंडा कढ़िया, याद रखना है दुख नूं हटाया, कंडा कढ़िया, तो उन्हां दी यारी बनी, प्यार बनिया, वो फिर एक दूजे नूं मिलदे है ना, प्यार वधदा है। सो जिहड़ा तुहाडा दुख घटाउंदा है तुसी उहको जांदे हो, ये भी रीइनफोर्समेंट हो गई, क्योंकि बार बार जांदे हो, बार बार व्यवहार हुंदा है, बार बार व्यवहार हुंदा है तो वह रीइनफोर्समेंट होएगी। हाँ वो हटाउण नाल होई है तो नैगेटिव रीइनफोर्समेंट, जे वो देण नाल होई है तो पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट। दूसरी तरफ जे दुख दिता जाता है, थप्पड़ लगाया गया, हाँ ये पेन दे रही है, ये पनिशमेंट है। बच्चा पनिशमेंट ना कोई काम नहीं करता, वो जदों ही तुसी उस तो परे हो जाते हो तो उस तो उल्टी हरकत तो ज़्यादा करेगा। दैट इज़ वाई ईवन बिहेवियरिज्म ने कहा है कि रेयरली जां नहीं वर्तनी पनिशमेंट। इसलिए वो वीडियो विच जिहदे विच बार बार मैं क्या है कि शब्द जिहड़ा है हमेशा रोंग आंसर होएगा, पनिशमेंट जिथे भी आता है रोंग आंसर होएगा। सो ये क्योंकि फंडामेंटल थ्यूरीज कह रही हैं। ये डायाग्राम बना के अपनी कॉपी पर लिखोगे तो यह सारा आसान हो जाएगा। सो इतों जमें अभ्यास करना होगा कि पॉजिटिव रीइनफोर्समेंट, जो रीइनफोर्समेंट आया इट मीनस रिपीट बिहेवियर, रिपीट होया रिस्पोंस, रिपीट होया है ना। पॉजिटिव मतलब कुछ दिता गया, नैगेटिव कुछ हटाया गया, रीइनफोर्समेंट मीन कुछ हटाउन दे नाल ओ दोबारा उन्हें काम किया है, ओके। पनिशमेंट का मतलब है दोबारा काम नहीं कर रहा, और असी कोई चीज़ दिती है नैचुरली पेन दवांगे पनिशमेंट है, सुख वाली चीज़ हटावांगे वो पनिशमेंट। नैक्सट है इन डैश द कंसैप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज ऑफिशियली क्वाइंड बाय
सो धारणा मैमरी बेस्ड है, औखा क्वेश्चन नहीं है, मैमरी ते फसे हुए हो क्योंकि असी शब्द बार बार पढ़े होंगे मेयर एंड सोलवे 90 विच ए वाली ऑप्शन जी है राइट है क्योंकि 1995 गोलमैन ने इस टर्म नू पॉपुलर किया सी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 95 आ पाया ना ये तुहानू पर इत्थे गोलमैन गोलमैन और इत्थे आएगा पॉपुलर जिन्हें किया पॉपुलर वो गोलमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवैल्यूएशन क्लियर है 40%। सो वीडियो लंबी ना होवे इन्ना ही डिस्कस करांगा। नेक्स्ट पार्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ए जो 12 मार्च नू पेपर आया है उसकी डिस्कशन करांगा। काइंडली जो तुहाडी जरूरत है वो मैनू जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, किसी तरह का नैगेटिव कमेंट है, मेरी वीकनेस है, लिमिटेशन है, गलती है, उसनों जरूर दसो। लर्न टू एक्चुलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।